आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संयुक्त रसोई में। आज हम बनाने चल रहे हैं खजूर की बर्फी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जार में इसको ग्राइंड करेंगे। बिना पानी के ऐसे ही सूखे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे चम्मच से चला चला के, थोड़ा सा रुक रुक के। तो हमने इसके लिए ये 200 ग्राम खजूर को साफ कर लिया। तो हम अभी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बढ़िया पीस के दिखाते हैं। देखिए हमने इसको पीस लिया है, हमने ऐसे ही सब पीस लिया इसी तरह। अब हम इनको निकाल देते हैं। हमने इसको पूरा पीस लिया है, हमें ऐसे ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि बहुत बारीक होगा भी नहीं, इससे ज़्यादा फिर पानी वगैरह मिलाना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसे पीस लिया। इसे दरदरा रहेगा तो टेस्टी भी लगेगा। हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक छोटी चम्मच खसखस डाल देते हैं। अब हम इसको डाल देते हैं इसमें खजूर को। आज ये गैस को बिल्कुल सिम पे रखेंगे। हमने 4-5 काजू काट लिए हैं, इसको डाल देते हैं। और ये बादाम भी कट कर लिए थे, तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसको डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इन सरफेस पे घी लगा लिया है, इस पे आप किसी भी बर्तन में, ट्रे में या थाली में आप घी लगा सकते हैं। अब हम इस पे ये नारियल का भूरा छिड़क देते हैं थोड़ा थोड़ा। हमारा खजूर का बैटर हो गया। हम इसको प्लेन सरफेस पे निकाल के इसको एक शेप, चौकोर शेप में कर देते हैं, अच्छे से पीसे कट जाए। अब हम इसके ऊपर नारियल का भूरा छिड़क देते हैं और भी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, तब इसको ठंडा होने देंगे। तो अभी हमारा ये गर्म है तो कट जाएगा बढ़िया से। हमने इसको काट दिया, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बर्फी एकदम बढ़िया ठंडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, अच्छे से निकल जा रही है सब। ये देखो बहुत ही अच्छी लग रही है सब, बहुत ही अच्छी तरह से। अब एक एक पीस इसको निकाल सकते हैं ठंडी होने के बाद, अलग कर लो। आप इस तरह की बर्फी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होती है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ठंडियों में तो ये बहुत ही हेल्दी होती है खजूर, और बिना शक्कर की बनती है क्योंकि ये खुद मीठी होती है। तो बहुत ही अच्छा है, इसको बना के ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।